हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22। कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पर्पस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इट सेज मिस्टर सेन गुप्ता एज 34 इयर्स ओन अ रेसिडेंशियल हाउस इन गाजियाबाद। इट वाज एक्वायर्ड बाय मिस्टर गुप्ता ऑन 10/10/2006 में खरीदा था। इसका मतलब अगर इस साल बेचा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है। कितने का खरीदा था? ₹4.6 लाख। He sold it for ₹53 lakh on 4/11/18. Again, long-term capital gain आने वाला है। 2018 में एक house property बिक गई है। The stamp valuation authority of the state fixed value for the property at ₹65 lakh. Assessor बोल रहा है कि उन्होंने ये बेचा है 53 लाख में, but इसकी stamp value है 65 लाख। काफी ज्यादा repeat होता है ये examination में। Section 50 capital C, I repeat 50C. 50C कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस स्टैंप वैल्यू से कम है तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे स्टैंप वैल्यू। तो यहां पर आपको 65 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माननी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द असेसी पेड 2% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज ब्रोकरेज ऑन द सेल ऑफ द सेल प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 2% किसके लेने हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के नहीं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के। एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 53 लाख, तो आप उसका 2% एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी लेंगे। आगे लिखा हुआ है, मिस्टर सेन गुप्ता एक्वायर्ड अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट कोलकाता ऑन 10/12/2018। सेक्शन 54 की बातें कर रहा है। अगर असेसी एक इंडिविजुअल असेसी है या एक्यूएफ है, इस केस में इंडिविजुअल, उन्होंने एक हाउस बेचा है और दूसरा हाउस खरीद लिया है, परचेज कर लिया है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर, बट इस केस में तो इसी साल ही परचेस कर लिया है। तो इन्होंने घर खरीद लिया है 10 लाख का, इनको सेक्शन 54 की डिडक्शन मिल जाएगी। एंड डिपॉजिटेड 7 लाख ऑन 10/4/2019 एंड 5 लाख ऑन 15/6/2019 इन द कैपिटल गेन बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RECL के बॉन्ड्स खरीद लिए हैं। आपको एक सेक्शन याद आता होगा 54EC। 54EC कहता है कि अगर किसी भी एसएससी का लैंड या बिल्डिंग बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है और वो NHAI के या RECL के बॉन्ड्स खरीदता है तो उसको डिडक्शन मिल सकती है अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है विद इन 6 मंथ्स। बट यहां पर विद इन 6 मंथ्स इन्वेस्टमेंट हुई है सिर्फ 7 लाख, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 मंथ्स हुई है, तो 54EC मिल तो पाएगा बट सिर्फ 7 लाख के ऊपर ही। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिपॉजिटेड ₹4 लाख ऑन 6/7/19 एंड 3 लाख ऑन 1/11/19। आपको डेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ही डिपॉजिटेड 4 लाख ऑन 6/7/19 एंड ₹3 लाख ऑन 1/11/19 इन द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर। अगेन सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर आपने हाउस या प्रॉपर्टी बेची है और आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदना चाहते हैं या कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आपको ROI की ड्यू डेट से पहले कैपिटल गेन स्कीम में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो इन्होंने 2 अमाउंट डिपॉजिट किए हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, बट एक किया है ROI की ड्यू डेट से पहले पहले। अगर हम इनकी ROI की ड्यू डेट क्वेश्चन में दी नहीं है, तो अगर हम अजम्पशन लें कि 31 जुलाई 2019 होगी या 30 सितंबर 2019 के लिए अगर अजम्पशन लेते हैं, तो उससे पहले इन्होंने 4 लाख रुपीज डिपॉजिट की है सीजी स्कीम में, जिसको इनको सेक्शन 54 की हम डिडक्शन दे सकते हैं। बट बाकी ये 3 लाख ROI की ड्यू डेट के बाद हो रहे हैं, इसलिए उसकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। आगे बोलता है, कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 एंड इनकम टैक्स देयर नो एज इफ ही हैज नो अदर इनकम। और आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है 2006 और 2007 का 122 एंड 2018-19 का 280। सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करेंगे, आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ऊपर लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सेन गुप्ता एंड टैक्स लायबिलिटी देयर ऑन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेक्शन 50C अप्लाई कर रहे हैं और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे 65 लाख, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कर लीजिएगा ₹6 लाख का CII आपको गिवन है। इंप्रूवमेंट कॉस्ट नहीं दी गई है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं 2% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, 2% ऑफ 53 लाख, यहां पर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर आ जाएंगे, आपका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा।
अब इसमें से सेक्शन 54 की डिडक्शन दे दीजिएगा। यहां पर इन्होंने 10 लाख का तो एक नया घर खरीद लिया है प्लस कंस्ट्रक्शन भी कराना चाहते हैं तो कैपिटल गेन स्कीम में जो इन्होंने डिपॉजिट किया है आरओआई की ड्यू डेट से पहले उसकी डिडक्शन इनको मिल जाएगी। तो यहां पर 54 में डिडक्शन मिलेगी 10 लाख की प्लस 4 लाख की, 3 लाख आप नोट में लिख सकते हैं क्योंकि वो आरओआई की ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट हुए हैं, डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। आगे एक और डिडक्शन मिलेगी 54 ईसी की जो आरईसीएल के बॉन्ड्स परचेस किए हैं बट विद इन 6 मंथ्स, तो यहां पर विद इन 6 मंथ्स किए गए हैं 7 लाख रुपीस, उसकी डिडक्शन 54 ईसी की भी मिल जाएगी और इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। प्लीज नोट दे दीजिएगा 5 लाख अमाउंट डिपॉजिट किया गया है 6 महीने के बाद। तो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट होता है 20%, बट क्योंकि ये इंडिविजुअल है इनको 2.5 लाख की तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी मिलेगी। द कैपिटल गेन आया है 29,16,950 जो कि ऑलरेडी राउंड ऑफ है और यही इनकी टोटल इनकम मानते हुए टैक्स निकालेंगे, इसमें से 2.5 लाख को हटा दीजिएगा, बाकी के ऊपर 20% टैक्स लगा दीजिएगा एंड टैक्स लायबिलिटी विल बी 5,33,390 प्लस 4% सेस। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।